अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम पैंट पजामा कटिंग सीखेंगे। पैंट पजामे की कटिंग पूरी देखने के लिए हमारी वीडियो पूरी देखें। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने कपड़े की लेंथ लेनी है। हमें 37 इंच तैयार पजामा जो है वो चाहिए। उसके लिए मैंने 48 इंच लंबाई ली है। ये मैंने 41 इंच पूरी लंबाई ली है। मैंने नेफे का मार्जिन और नीचे फोल्डिंग का, पजामे के जो पांचा है उसकी फोल्डिंग का मैंने मार्जिन रखा हुआ है। बहुत मुश्किल नहीं है, ज़्यादा निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने बस इसका जो आसन है सेंटर वाली ये जगह, उसको आपने माप कर लेना है कि हमें कितनी चाहिए। हमें 16 इंच चाहिए। 16 इंच पर हमने निशान लगाया। इसको हमने तकरीबन 2 इंच एक चीज़ जो नोट करने वाली है, सबसे पहले आपने, अगर तो आप हेल्दी हैं तो आपने खुला ले लेना है, अगर आप स्मार्ट हैं तो तकरीबन 16-17 इंच चौड़ाई इसकी डबल चौड़ाई ले लें। तो अगर आप ज़्यादा हेल्दी हैं तो 20-22 इंच भी आप चौड़ा यहाँ से ले सकते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ से 2 इंच कर लेना है, निशान इसका लगाना है हमने। और यहाँ पर हमने निशान जो है यहाँ तक मैंने निशान लगाया। इधर से फिर हमने इधर से तकरीबन 1.5 इंच या 1.5 इंच कर ले। इधर से हमने यहां तक इस तरह निशान लगाना है। और जितना हमने पजामा रखना है 8 इंच मैंने रखा है, यहां पे निशान लगाया। इसको हमने बिल्कुल सीधा जो है हमने पैंट की शेप में निशान लगाना है। इधर से भी हमने तकरीबन 4 इंच पे हमने यहां तक सीधा करके निशान लगा लेना है। ये सारी कटिंग है। बहुत ज़्यादा निशान यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी ये थ्योरी है पजामा। बहुत ज़्यादा मुश्किल जो है पैंट पजामा काटना मुश्किल नहीं है। आपने इधर से जितना खुला करना है और भी यहाँ से आप कट कर सकते हैं, इधर से भी और कटिंग कर सकते हैं अगर आपको इससे ज़्यादा टाइट चाहिए तो। ये पैंट पजामा की कटिंग बिल्कुल सेट हो गई है। अगर ये हमारा तरीका आपको पसंद आया तो हमारी वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। अल्लाह हाफिज़।